एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। पवार सोनिया के बीच कल होने वाली बैठक टल गई थी। माना जा रहा है कि पवार और सोनिया के बीच बैठक के बाद महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बारे में अंतिम मोहर लग सकती है। इस बीच एनसीपी ने पुणे में कल अपनी कोर कमेटी के नेताओं के साथ बैठक की। इसमें महाराष्ट्र में सरकार बनाने के सियासी समीकरण पर चर्चा हुई। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत भी दिल्ली में हैं और वो आज कांग्रेस एनसीपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। भोपाल में पीने के पानी पर आई केंद्र सरकार की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार के लिए मुश्किल बढ़ गई है। जांच के लिए लिए गए पानी के नमूने फेल होने से लोग भी बेहद परेशान हैं, जिसके बाद अब उन इलाकों की सफाई पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं जहां से पूरे शहर को पानी भेजा जाता है। ये वो सोत्र है जहां पर पूरे भोपाल में पीने का पानी सप्लाई किया जाता है, यानी कि बड़ा तालाब, और इस तालाब में आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है। यहां से सीधे पाइपलाइन बिछाई गई है जो घरों तक पानी पहुंचाती है। गुणवत्ता पर नजर रखने वाली संस्था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट में भोपाल 9वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट के आने के बाद प्रदेश सरकार और नगर निगम मुश्किल में है, जबकि लोगों ने भी पानी की वजह से कई परेशानी होने का दावा किया। यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी से दिक्कत है कि स्किन से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम है और हेयर फॉल ज्यादा होते हैं। यहाँ पर गाड़ी पलटने से 8 घायल। यूपी के गोंडा बलरामपुर मार्ग पर एक गाड़ी के पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पटना में ट्रक और बाइक की टक्कर से हुए हादसे में 1 की मौत के बाद लोगों ने सड़क जैम कर जमकर हंगामा किया और ट्रक में आग लगा दी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। एमपी के शिवपुरी में बिजली की लाइन बदलने के समय लाइन मैन करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया। हादसे के बाद करीब 30 मिनट तक खंभे पर लटके रहने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में सफाई कर्मचारी अनोखे अंदाज में गाना गाकर लोगों से स्वच्छता के प्रति जागरूक बनने की अपील करते नजर आए। पुणे शहर का सारा सब्जी बाजार लेके कैरी बैग ये प्लास्टिक वाला, इसको आदत कर डाला कैरी बैग ये प्लास्टिक वाला। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के मुताबिक टेस्ट क्रिकेट में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इसके कायाकल्प किए जाने की जरूरत है। अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 में हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। लखनऊ में हुए तीसरे T20 मुकाबले में अफगानिस्तान के 158 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज 127 रन ही बना पाई। हरियाणा के बिलासपुर में यात्रियों से भरी एक बस पलट गई, जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए। बताया गया कि बस के ड्राइवर ने सामने से आ रही कार से बचने के लिए बस खेतों की तरफ मोड़ दी, लेकिन ड्राइवर बस पर काबू नहीं रख पाया और बस पलट गई। हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया और आसपास के लोग वहां पहुंच गए। कई लोगों ने घायलों की मदद की और बस से उनका सामान बाहर निकाला। जानकारी मिलने के बाद वहां पुलिस भी पहुंच गई, जिसके बाद हादसे में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में 12 लोग घायल हो गए, जबकि कई लोगों का सामान भी टूट फूट गया। हालांकि इस दौरान कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तरी थाईलैंड के एक शहर में एक महिला 22,000 वोल्ट के बिजली के तार की चपेट में आ गई। ये महिला सड़क पार करने के लिए ट्रैफिक रुकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी सड़क के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन टूटकर उसके ऊपर गिर गई। इससे पहले महिला अपने बेटे के साथ वहां मौजूद दुकान से खरीदारी करके बाहर निकलती दिखी। दुकान से निकलने के बाद वो फुटपाथ से उतरकर सड़क के किनारे खड़ी हो गई और ट्रैफिक रुकने का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी ऊपर से गुजर रही बिजली की तार से चिंगारियां निकलने लगी। चिंगारियां निकलते देख महिला ने वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो संभल पाती 22,000 वोल्ट की लाइन उसके ऊपर ही गिर गई। महिला के तार की चपेट में आते ही वहां धमाका हो गया। धमाके से आसपास मौजूद लोग भी डर गए। कुछ देर बाद दो लोग बुरी तरह घायल महिला के पास पहुंचे और उसे उठाकर फुटपाथ पर ले आए, लेकिन जब तक वो महिला की मदद कर पाते तार का एक दूसरा हिस्सा भी टूटकर फुटपाथ पर गिर पड़ा। हालांकि वहां मौजूद एक लड़के ने फुर्ती दिखाते हुए महिला को ऊपर खींच लिया, जिससे वो दोबारा करंट की चपेट में आने से बच गई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कुमाऊं विश्वविद्यालय के सोबन सिंह जीना कैंपस के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस के निदेशक पर पेट्रोल छिड़कने और उन्हें धमकी देने के आरोप में छात्र संघ के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जिससे कैंपस के छात्र भड़क गए और बड़ी संख्या में पार्क के सामने एकजुट होकर पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और पुलिस का पुतला भी जलाया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कॉलेज के निदेशक पर छात्रों की मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया और उन्हें तुरंत हटाए जाने की मांग की। यही नहीं, छात्र संघ के नेताओं ने अध्यक्ष की रिहाई नहीं होने तक कॉलेज बंद करने का ऐलान कर दिया। जब तक छात्र संघ अध्यक्ष को सम्मान सही